मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। ओम शांति। आज की तारीख है 20 दिसंबर 2021 की साकार मुरली बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। प्रश्न, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? उत्तर, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान ना लें लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब अभी ख़त्म होना है। गीत, तूने रात गवाई सो के। तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया है नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं। यह जो कुछ देखने में आता है यह कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें होती हैं वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह पुराना सब खत्म होना है, बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग तक क्या क्या होता है। यह साइंस भी एक विद्या है, उनसे एरोप्लेन बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले यह नहीं था अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है, भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज़ें दूसरे जन्म में भी काम आती हैं, कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थ कवेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी में सारा नया बना देते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, यह बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंत मति सो गति होगी, भल उन्हों में यह ज्ञान नहीं है परंतु वह आएंगे जरूर और आकर नई नई चीज़ें बनाएंगे। यह ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से साम्राज्य की स्थापना कर रहे हो। वहाँ सब कुछ नया होगा, तत्त्व भी जो तमो प्रधान है वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए
अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे यह सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी यह बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे, इतने में हम कैसे लिख दें। एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें, यह सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है, तुम यह जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं, रावण राज्य में सब पतित हैं। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, यह ज्ञान अभी तुमको है, सतयुग में यह कोई नहीं जानते, इनके बाद त्रेता आएगा, वहाँ तो पारलब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो, जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं, बाबा है वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को आलमाइटी नहीं कहा जाता, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं यह है नई दुनिया के लिए नई बातें, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम यह समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में यह बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए, अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा, क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो, यह कैसे हो सकता है। अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं, अभी यह तो हो ही नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। बल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है, इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख मंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो, वह योग रखते हैं ब्रह्मा से, एक बाप से नहीं रखते, कोई किस से रखते कोई किस से, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका, यह किसको पता ही नहीं कि ऊंचे से ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है यह सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है, नई दुनिया सतयुग का। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु यह बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो स्थाई यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है,
अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते, कोई तो चार पांच मास आते हैं समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे, ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझें। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं, तुम समझते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे दोरी में लग जाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे, ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहली पहली मुख्य यह बात निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है, तब तो महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर, वह बीज जड़ होता है, वह बोल न सके, यह चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई हैं, सात आठ दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा, समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर, पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है, अपनी संभाल करनी है, मुझे सतो प्रधान बनना है। यह चिंता लगी रहे क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिकरात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है, और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाए। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वेश्यावंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं, जिसको धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है, जैसे कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं हैं, प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं, फिर तुम्हारी यह मशीनरी भी जोर भरती जाएगी। बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे, नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना, चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो यह जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा, दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा।
आखरीन यह दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा, शास्त्रों में गायन है, यह भारत अविनाशी खंड है, तुम जानते हो हमारा यादगार हूबहू आपू में है, उस पर समझाना चाहिए, वह है जड़ यादगार, यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है, राजयोग सीख रहे हो बैकुंठ के लिए, देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है, तुम स्वर्ग की रजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो, कहते हैं बाबा हमको आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे खुशी भी उनको रहेगी, स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं, लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है, मुख्य है 8 सोने के फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के, जैसे देखो पोप मेडल्स देते थे तो सबको सोने का थोड़ी देंगे, कोई को सोने का कोई को चांदी का, माला भी ऐसे बनती है, तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवे, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं है, यही फुरना रखो पास होने का, लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं, यह बेहद का स्कूल है, प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो, प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिगला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मुरली के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रह सतो प्रधान बनना है, नंबर दो सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर विचार सागर मंथन करना है, वरदान निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव, जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है, ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्पोल्टी व पांच तत्वों की आकर्षण आकर्षित नहीं करती वही फरिश्ता कहलाते हैं, इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो, स्लोगन जीवन में अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो, जीवन में अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो, ओम शांति।